ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸੁਬੋ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਨ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਡ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਪਾਲ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਨਮੂਨਾ ਕੀ ਲੈ ਆਉਣਾ ਯਾਰ ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ मुर्गे ने आया की लेना तू जुत्ती लेनी है ऐ मुंह ते दिखा मुंह किवें होया बंदा मिट्टी जड़ी रखी होई है ना आपा घट इस्तेमाल करते पड़ा ए जड़ी मिट्टी ना लगे होए ने तिन्ने काम देख मिट्टी नाल ते उद्दू पेंदा मेरी जुत्ती क्यों नु लेंदी की करूं जुत्ती हाथ साफ करके ना 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 हाथ साफ करके मुर खावे भाई की धोया 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 मुंह भी धो टंगूर लेके आंदे टंगूर देख लेन दोन हाथ धोवन जा रहे हैं ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਮੁਰਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਸਹੀ ਹੈ ਮੁਰਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁਣ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਉਧਰ ਮੁਰਗਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 9-10 ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੇ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਨੇ ਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਸਣ ਹਾਲੇ ਮੁਰਗੇ ਦੋ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਲੈਵਾਂਗੇ ਫੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਮੁਰਗੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਲੈ ਲਵੀਏ ਦੋ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਲੈ ਲੈਨੇ ਗਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਦੇ ਛੱਡਣ ਆਇਆ और एक ना इधर मुर्गी भी बीमार हैगी बेचारी अंडे वगैरह लाए इन्होंने कोई नहीं लाए इन्हें वेख कोई नहीं अंडा वगैरह मेरे ख्याल लाया इन्होंने और मुर्गे होर दो आ गए बाकी एक जेड़ा बीमार है उधर हैगा और उनकी भी दवाई वगैरह जाने जा शहर चो लैमने हो सकता ठीक हो जाए अल्लाह करे लेकिन बीमार हैगा इस करके उधर छड़े आया मैं बाकी सारे ने बीमार बाकी इन्होंने वास्ते तिरपाल वगैरह आ गई इस साइड से भी सारी लग जाएगी उस साइड से भी लग जाएगी उम्मीद है फिर ठंड लगती और इसके अलावा जमीन थलों ठंडी होंगी है ना तो इन थले जी है ना मैं मंगाई है बाई को जी है ना पराली जी सुबह दस रहे चावलों वाली पराली वगैरह थले पावे ना सारी तो फिर इन्होंने कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह आराम न कर दो लो जी हो गया हो गया दो न्यू मेहमान आ गए ने साढ़े एक है ते एक ओ जावा जेड़ा फिर एक है ते एक है ए दो नवे लैके आते हैं और जेड़ा पहले हैगा ये पहले दाएगा फिर वो बेगो लड़ी जाते आपस के बेच नवे आए ने ना तो उन्होंने जेड़ा गला लेकिन आस्ता आस्ता जेड़ा ना एडजस्टमेंट जेड़ा ना आपस कर रहे पता लग जाना कि असं इतने जेड़ा ना सारे रहना फिर नहीं लड़नगे पहले जो लैके आते ना पहले सारे आपस लड़ रहे हूँ नहीं लड़ रहे रात को सोच वेख के इनका डिजाइन ना थोड़ा बहुत मैं चेंज करता सी पहले होर तरह बना रहा सी हूँ होर तरीके बना रहा एक इस तरह का बनेगा एक इस तरह का और एक इस तरह का मसलन सारे इस तरह बनते जाए पहले इस तरह खाली छड़िया मैंने अच्छा नहीं लग रहा है फिर मैं डिजाइन थोड़ा जहा इस तरीके चेंज करता मुर्गा साडा ना बीमार होया पे मेरे को ना बड़ी वड्डी गलती हो गई है मैं शहर गया तरपाल लैके आंदियां उधर वास्ते तो इन्हों वास्ते तरपाल लैके भी नहीं आती इन्हों की हूँ तरपाल सारी हूँ जिस दिन गया ना तो एक वड्डी तरपाल लैके आवांगे तकरीबन 6 फुट इंजे तो 14 फुट लंबी इंज करके मसलन सारी उपर ना पै जाया करेगी कि बिजली का समान सारा लैके आंदा है एक मसला है कि बिजली का जोड़ा समान हैगा ना दो कलर का हो गया है पहले वाला लगे हुए सी ओ वाला तो मसलन मिक्स हो गए सारे बोर्ड कोई रत्ते कोई खट्टे कोई पीड़े कोई सादे कुछ बोर्ड वाइट कलर के ने और वो वाले बोर्ड ग्रे कलर के लैके आते हैं और कुछ बोर्ड इस गोल्डन कलर के है साइड के जेडे जिन्हें एक बिजली वाले बोर्ड है ना सारे मिक्स लगे हुए हैं लेकिन इस तू अगे जेड़ा इस घर के बोर्ड लगने ने ना सारे एक ही कलर के लैके आया कि तुम रोटी वगैरह खा के खोल के सारा फिर मैं समान दिखा कि बोर्ड किस कलर के लैके आते हैं बेगम साहबा बच्चों रोटी पानी खिला के बैठी है चाय और नाल अज पक्या है जी आलू तो मेरे ख्याल है नहीं गोश्त भी गोश्त आलू पालक तीन चीज़ा कट्ठी अलहमदुल्ला जी रोटी आ चुकी है सारा समान आ चुके है जी रोटी खा के कुछ काफ़ी टाइम रेस्ट की है हूँ शाम होने वाली और मिस्त्री भाई भी घर चले ने और हो सकता है कि सुबह मिस्त्री भाई और छुट्टी कराइए क्योंकि कड़िया गाडर अज आ जाते हैं तो कोई रंग वगैरह हो के सुबह इनकी छत पाई है लेकिन कड़िया गाडर आए कोई नहीं तो सुबह हूँ कोई काम कर है ही कोई नहीं हूँ तुम दिखाने जी की शॉपिंग करके ली ए तो है जी तार सारी बिजली की तार ही है समझ लो कि सारे कमर की वायरिंग वगैरह होनी है और कुछ इधर है एक डब्बिया वगैरह और एम तार और इस अंदर सब तो अहम चीज़ एक ही आ बिजली के बोर्ड और यह तरपाल तो तुम असं पहले ही दिखा चुके हैं कि तरपाल लैन की काफ़ी वड्डी सारी है और मैं तो सोच रहा सी कि एक इनकी जी तरपाल लैनी है इन किसी दिन परिंदे अगू पाने वास्ते भी हाँ सर्दी के सारे परिंदे बेचारे मरणगे
और कदे सोची था कि इन्हें परिंदे शिफ्ट ही उस घर के जड़ा ना कर दे हाँ लेकिन चलो जितने दिन जड़ा ना यह सर्दियाँ इतने निकल लवन तो अगलिया सर्दियाँ तक या हो सकता कि इन्हें सर्दियों के शिफ्ट कर दे कोई पता नहीं लेकिन यह वाली तरपाल तो असं लैन दी मुर्गियों वास्ते हूँ इधर वेले हो कि ना मिस्त्री भीड़ जाते हैं तो तसली ना जाके जड़ा ना तसली ना लावे अब्दुल रहमान तो दोनों जावे ना ये ला देंगे और ये सारा खर्चा करवा रही ने मुर्गियाँ इधर देखो केड्डी वड्डी तरपाल एक एक केड्डी वड्डी ए अपने किचन तो ही वड्डी है काफ़ी वड्डिया वड्डिया दो ने न्यू घर की अज आखिरी आखिरी शॉपिंग है सी। इस आखिरी शॉपिंग दे विच कड़ियां गाडर ही मौजूद हैगियां सी लेकिन वो मिलिया नहीं और बाकी इवें समझ लो कि आखिरी शॉपिंग है इस तो अगे कोई चीज़ जड़ियां ना सी कोई लैके आनी क्योंकि घर जेड़ा तकरीबन तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं बिजली की वायरिंग रही सी वो जी है ना करवा के जान छुड़ाने और असं हम थके पे अं चाहते हैं कि कोई घर में सैटम वैटम सफाई वगैरह करा के आराम ना सुते बैठे करी क्योंकि ना सारा दिन समझ लो कि कदे कोई छलिया कदे कोई छलिया गुजर जाता इवें ना तो जान बंदा छुड़ावे बस ना हूँ बस करिए एक बारी है कि जी बोर्ड और बड़ी ही शौक ना लैके आते हैं पहले वाले भी शौक नहीं लैके आते लेकिन हूँ पुराने हो गए हैं अनबॉक्सिंग करके तुम दिखाने दो तीन दो ए ते दो ए क्योंकि ए छोटे है बोर्ड ज़्यादातर वाशरूम लाना है किचन लाना है और एक्स्ट्रा चीज़ा ए और ए मेन बोर्ड है और हाले अनबॉक्सिंग करके तुम दिखाने अनबॉक्सिंग करने ही बड़े ही आसान ने खुल जा खुल हाँ छापर ना पाड़ी जबरदस्त माशाल्लाह और ये ग्रे कलर दे है मसलन बटन ग्रे कलर ने और बाकी गोल्डन वाइट मिक्स जा कि पाँगा छोटिया छोटिया ना देखो नजरिया जी बनिया हुई ने हाँ बड़े बेहतरीन बोर्ड है जबरदस्त चाइना कंपनी हाँ खोलना देखिए तो सही खराब ना हो काफ़ी अच्छे खासे पैसे इन्हें लग गए हैं बोर्डा बोर्डा क्योंकि बोर्ड है कि काफ़ी सारे लावन वाले है देखो जी माशाल्लाह जबरदस्त है मेरे ख्याल इंज करके बटन मंडी देगा ठीक ने ना हाँ, बाकी सर्कट वगैरह सारे पहले दे कुछ पे हुए ने बाकी तार वगैरह है आ गई है तीन सुचे पहले पे ने अपने को कि लाना है पौड़ियां ते लावण वास्ते सिंगल यानी बल्ब बालन वास्ते ठीक है सीढ़ियां दा ये डबल छू है मसलन थले वाली साइड जिवें आप शहर नहीं है सी ते थले आला बटन मंडींदा सी ते पौड़ी तो बल्ब बल जांदे सी उत्ते जाके एक बटन लगा हुंदा सी ते मर जांदा सी बल्ब डबल बटन आला सिस्टम एक दे नाल दा होर बटन है देखो ये डबल सिस्टम है मसलन ट्रिपल थ्री फेस के पता नहीं की सा ठीक है और ए आले जेडे हैं ना बटन ए लैके आंदे ने की सदे ने मोटर वास्ते पानी वाली मोटर वास्ते वड्डा एक सिंपल स्विच मसलन सारा ना सैट एक ही साइज दा एक ही कलर दा अगे आला लैके आंदा है ए डबल है गया और ए तीन लगे हुए एक मोटर दा ते दो है गए तीन होने मेरे ख्याल एक और होना सी पता नहीं कितने मेरे ख्याल डिविजन हो गए जी हाँ ए पिया हो एक ए पिया ये की गल है नहीं एक अदर भी पिया हुआ हाँ वो तो मैं करना बेच नहीं है ए देखो तीन ए लैके आते सी अब तू अहम चीज़ है इन्हों की तफसील कि यह हूँ लै किस किस वास्ते आते हैं वह मैं तुम्हें पहले दस देना फिर जो लगन गए फिर तुम दिखावगा ए तीन सुच लैके आते हैं एक पानी वाली मोटर दा के बेगम सन दस रहा सी और ए दो जे है ना ये ए सी दे ने हाँ जी इन्हें लगेगा जी ए सी नू करंट वगैरह आएगा ए सी लगेगा या नहीं लगेगा लेकिन सुच जरूर लगेगा ठीक है ना ए सी का डायरैक्ट दोवें कमर परले का एक उरले का दो कमर ए सी मैं लात दे भी इन्हें चलो हो सकता है कि अला पाक जरा गुजैश दे लवा लवीए कोई पता नहीं और हो भी सकता 100% आप गर्मियों तक लवा भी लवीए तो कोई पता नहीं लेकिन एडवांस वायरिंग तो जी कंप्लीट होनी चाहिए हाँ वायरिंग कंप्लीट होनी चाहिए है बाकी अगे निजाम चलता पे हो सकता कि आप ना लवा सकी वायरिंग इस करके मुकम्मल करवाती अगे बच्चे साढ़े लवा लवन ठीक है ना इस करके क्यों कि घर डा के जरा मरना है तो अगे जी घर रवे
कम अज कम उन्होंने जो दोबारा वायरिंग ना करवानी पवे। इस करके ना सारा मुकम्मल जिहड़ा है ना इंतजाम कर दिता है। बिल्कुल शाम हो चुकी है, लाइट बल गई है और मैं गया ऐसी जी मिस्त्री बाई न घर छड़न वास्ते। रोज शाम जाना पौंदा, वैसे भी अज उन्होंने पैसे वगैरह समझ लो कि जिन्ना कोई हिसाब किताब है असं सारे क्लीयर किए हैं, क्योंकि सुबह हूँ छुट्टी है, सुबह मिस्त्री बाई ने कोई नहीं आना। उनकी वजह है कि होर साढ़े घर चुन काम बचिया कोई नहीं है, तो सिर्फ छत रह गई सी, तो छत का जो समान है वो आया कोई नहीं, तो इस करके मैं कह रहा छुट्टी सुबह जाके समान आएगा परसों इंशाला जरा क्या छत पैगी। रंग वगैरह जी पहले सन लभ के रखी हुई है, पिछली जी कड़िया वगैरह कीतिया सी ना उनके बची हुई है नीले रंग की, वही है जी दूसरे नहीं करा। मैं तो इधर आया सी, मैं सोचा बेगम साहबा कोई चाय वगैरह बना रही होगी, लेकिन गायब है सारे बच्चे उधर दो फिरते हैं, बच्चे ही कोई नहीं है। रात आए ब्लाग बई अहमद कह रहा है अहमद रावी और कि साढ़े को दो गलतियां हुई व्डिया, मैं उन्होंने को दो हुई ना, मेरे को दो नाल भी ज़्यादा हुई ने। सब तो वड्डी गलती मेरे को हुई सी कि जो मैं घर बनाया सी ना पहला जिहड़ा इत्थे घर बनाया सी, सब तो वड्डी गलती मेरे को हुई सी, बहुत ही वड्डी मैं कहना एड्डी वड्डी गलती ना कि भाई साहब और चार गलतियां भी कीतियां मेरे नाल तां काम है, क्योंकि मैंने तो पूरा घर ही ढाणा पै गया। उन्होंने को वाकई गलती हुई है कि उन्होंने बगैर सोचे समझे ना बगैर प्लैनिंग तू जिहड़ा है ना घर, मैं पहले दो दफा जिहड़ा ना समझ लो कि बगैर प्लैनिंग तू मैं चबड़ा मारियां ने ते घर जिहड़ा है ना मसलन खराब कर बैठा, इन्ने पैसे ही बर्बाद होए। उन्होंने वाकई उन्होंने पैसे काफ़ी ज़्यादा पहले जिहड़े ना खराब किए, हुण दा दो तीन काम उन्होंने अच्छे किए, जिहड़ा किचन वगैरह माशाला अच्छा बन गया और वाशरूम भी काफ़ी अच्छा, वाशरूम माशाला खूबसूरत काफ़ी ज़्यादा है, मसलन पिंक काफ़ी खूबसूरत जबरदस्त लगता। लेकिन ना भई अहमद ने मैं अगले दिन दस्या सी फोन ते मसलन ना मैसेज किया, एक उनका मसला है उनकी क्लिप जी पैड़ी, उन्हें क्लिप दिखाई सी ना तो पैर के थले खुरे लगे हुए नीरी मट्टी मट्टी हैगी सी। यह सब तो वड्डा उनके मसला है कि उनकी सफाई करना, जो लाइट कलर है ना उनकी सफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ये वाली गल्लां मैं इस करके कर रहा है कि हूँ जड़ा ना इनशाला भाई और जी अकल आ गई है कि हूँ जड़ा ना पैसे खराब नहीं करने, बड़े तरीके लाने ने ठीक आ, और मैनू ही अकल आ गई हूँ पैसे लाए ने, लेकिन हूँ ना अच्छी तरीके सोच समझ के लाए ने, क्योंकि पहले ही काफ़ी दफ़ा जिहड़ा है ना इवें दरम बरम निज़ाम किया। बाकी साडा बैक साइड ते ऐला इवें खुला ही माहौल रहेगा, क्योंकि वह घर बंद हो गया ना, तो सर्दियों के असं हूँ ज़्यादातर कमरिया तो नहीं बह सकते, सर्दियों के धुप निकली करेगी और ज़्यादातर गार्डन वाली साइड तो होवेंगे और या इस जगह पर होवेंगे खुली, ताकि सूरज वगैरह बंदा धुप वगैरह सेकता है और अगे गर्मिया आवनगियाँ, तो गर्मियों के जिस टाइम बिजली वगैरह चली जाती तो ज़्यादातर साडा टाइम गार्डन या बहर ही होगा। ए आले दो पैप जिहड़े ना बाहर कढ़ के छड्डे हुए ने, क्योंकि ए आली मोटर जिहड़ी है ना इत्थे सब तो ज़्यादा बुरी लग रही है, सामने बिल्कुल जिहड़ा है ना किचन दे दरवाजे दे अगे ये मोटर इत्थों चुकनी है। बेगम साहब मेरे पिछे आ गए, ये इत्थों मोटर वैसे भी आपां चक लवीए सही है ना, या मोटर इस जगह ते आ जाए ठीक है ना, किचन दे अंदर आ जाएगी, क्यों मोटर नू किचन दे अंदर रखना इस करके जरूरी है, मैं तां कह रहा सी इस किचन दे अंदर, क्योंकि बाहरों जिहड़ी ना चोरी हो सकती है, किचन बंद होगा ना तो दरवाज़ा ताला वगैरह रात को मारता करांगे परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये अन करीब ही या कोई निज़ाम वगैरह बनया ना, जो इतने लाणी ने की कहने ला तेरा भला करे टायल वगैरह जो लाणी ने उदो इन पट लेना, चाहे तम्मी पट लवीए चाहे परसों पट लवीए, वैसे भी काफ़ी बुरी लग रही है। वेखो ना बिच किचन दे और कमरिया के अगे पैप लटके पे ने, बहुत ही बुरी लग रही, लेकिन इन पटना उदो है जो टायल वगैरह जी लाणी है ना सहन दे मसलन सारी टीवी लाउंस के अंदर है सारी टायल वगैरह लावे ना, पत्थर लावीए मार्बल लावीए या टायल लावीए जो भी लगेगी ना इन जरा तू पट देना। सुबह इनशाला इनशाला अल्लाह पाक के हुक्म ना साडा पूरा घर जिहड़ा ना जगमगा रहा होगा, किचन वाली साइड से लाइटा लग जानी ने, बल्ब वगैरह कुछ पे हुए हैं अज रात को, हूँ ना मैं बल्ब वगैरह जोड़ के रखा, बल्ब काफ़ी सारे पे ने लेकिन थोड़े बहुत डैमेज ने कुछ ना बल्दे नहीं, को थोड़ी थोड़ी मसलन प्रॉब्लम हैगी है, मेरे को काविया भी पिया है, मैं रिपेयर वगैरह भी कर लैंदा हुंदा काफ़ी सारे, लेकिन अगर जिन्हें कोई एलईडियां सड़ सुड़ गई ने तो एलईडियां उत्थों ना मिल जांदियां ने, मसलन 300 का अगर बल्ब मिलता ना 50 रुपए का सर्कट मिलता सारा 40-50-60 रुपए का, तो वह सर्कट में पा के बंदा न्यू बल्ब जिहड़ा है ना बना लैंदा। छोटे दोनों सो गए ने और वड्डा जिहड़ा उन्होंने लैके बैठा हुआ मोबाइल बैठे वे बेगम साहबां बना रही है चाय। रात को ना काफ़ी सारे कमेंट से कि नवाज भाई तुहाड़ी बेगम साहबां रोज़ जिहड़ा है ना लड़ के पेकियां ते चली जांदी, मैनूं तुसीं ये दसो
मैं कोई ऐसी हिक भी गल की है कल वाले व्लाग के बेगम साहबा झगड़ा करके चली गई है लड़ के चली गई है, या मैं थंबनेल ते लिखिया हो कि बेगम साहबा लड़ के चली गई है, मैं इयो ही किया कि बेगम साहबा मैं के चली गई, इयो ही मैं गल की तो मैं फस गया, मैं कल जो किचन लिंबना पै रहा। मैं ऐसी कोई गल भी नहीं की कि बेगम साहबा झगड़ा हो गया मारा, बेगम साहबा लड़ के चली गई या सो, ऐसी कोई मैं गल की है पूरा व्लाग जाके तसली ने देखो। अगर मैं की है तो फिर जेड़ा गल तुम कहो कि बेगम साहबा झगड़ा कर दी आ, बेगम साहबा रोज टुटी रही है, गई सी लेकिन इन अपना ही कोई काम से, मसलन की एक सिस्टर हैगी उनकी तबीयत खराब सी, उनकी तबीयत पूछनी सी, और दूसरा इन्हें कपड़े वगैरह जोड़े है ना दर्जी दे दिते से जोड़े कल उन्हें लैके आते हैं, वो वाले कपड़े सिलाई होए पे सी, इन्हें फोन किया जी कपड़े भी सिलाई होए पेने, कहा जी मैं चलो मिल भी आवागी, तो इन वैसे रोकया काफ़ी सारा सी कि जोड़ा है ना तू ना जा, और जिस गल का डर सी ना उही होया, अगर मैं कल चला जाता ना शहर, कल मैं अगर शहर चला जाता तो कड़ियाँ गाडर आ जाने से, तेरी वजह तो मैं उधर कोई नहीं गया, तो अज हूँ सु अज भी जुम्मा सी, अज दुकाना बंद सी, वो थोड़िया बहुत खुलियां सी, लेकिन वो फिर छोटिया दुकाना से उतों समान जोड़ा महंगा मिलना सी, बाकी कोई समान वगैरह लैन है, लेकिन हम बेगम साहबा करके वेख लो एक छुट्टी हो गई है पूरी दी पूरी, नहीं तो साडा काम जोड़ा है सुबह कंप्लीट हो जाना सी, हूँ सुबह नहीं होगा परसों होगा, बाकी रोकया मैं सी इनू बड़ा कि तू ना जा, लेकिन साढ़े को लड़ाई वगैरह कोई नहीं हुई कि असी जो कहना लड़ के बेगम साहबा चली गई है, लेकिन मैंने रोकया कि ना जा, लेकिन ये जरा मनी को नहीं चली गई, लेकिन चलो जो होना सी अल्लाह ने मंजूर, चलो अज छत नहीं पैगी, कल पै जाएगी, परसों पै जी पैवेगी जरूर इंशाल्लाह, हम जी रुकती नहीं है छत नहीं छाड़ी हम रुकती, हाँ जी तरपाल लानी सी उधर मुर्गियां ले टाइम ही कोई लग गया, और हुण रात हो चुकी आ, हुण जिहड़ा कहना नामुमकिन लाना क्योंकि उधर रोशनी वगैरह है कोई नहीं, कहना यह भी बड़ी वड्डी परेशानी है, रोड दे उत्ते घर है ना, ते देखो ना गड्डियां लगदियां रहिंदियां ने, ते बहुत ज़्यादा शोर हुंदा बैकग्राउंड च, बहुत ही ज़्यादा शोर, मिनट बाद गल है मोटरसाइकिल कारां, ए देखो किन्ना ज़्यादा शोर है,